मेरा नाम राजेश शर्मा है। राजेश जी, आप किस तरीके के प्रोग्राम किए जाते हैं, कौन सी ट्रस्ट है, क्या नाम है, क्या क्या प्रोग्राम करते हैं? ये हमारा सावली सरकार परिवार का ट्रस्ट है और ये हमारा चौथा वार्षिक उत्सव है। इसमें हमारे पूरे शहर का सहयोग है और सभी संस्थाओं ने हमारा पूरा सहयोग साथ दिया है और हर तरह से पुलिस प्रशासन वगैरह सब हमारे साथ रहा है। किस किस तरीके के प्रोग्राम? हम जैसे ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगाते हैं और जैसे कि गरीब कन्याओं की शादी में कोई दहेज फ्रिज वगैरह टीवी वगैरह देना, इस तरह की संस्थाएँ हमारी वितरित करती रहती हैं और हम आने वाली जो जनरेशन उनको दिखाना चाहते हैं कि हमने किया है, आप इससे और अच्छा करने की कोशिश करें। धर्म को भी जो है, जो राम को लाए वो हम उनको ला रहे हैं, वही ला रहे हैं हमें भी। जय श्री भवानी कृपा। क्या नाम है आपका? गुलशन मित्तल। ये प्रोग्राम किया जा रहा है, किसकी तरफ से किया जा रहा है, कितनी बार हो चुका है ये? सावरे सरकार परिवार की तरफ से करा जा रहा है और इसमें सभी मेंबरों का बहुत सहयोग है और सबसे ज़्यादा शौक पूरे बल्लमगढ़ का है। पूरे बल्लमगढ़ ने, पूरे प्रशासन ने हमें हर चीज़ का सहयोग करा है। हमें यह जागरण पूरे परिवार का है, पूरे बल्लमगढ़ परिवार का है। किस किस तरीके के प्रोग्राम करते रहते हैं आप लोग? हम ब्लड डोनेशन और ब्लड डोनेशन कैंप है और एक अपना ये जागरण है और अभी लड़कियों की शादी का बेड़ा भी उठा रहे हैं और क्या नाम है, जिसे किसी भी पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध कराते हैं। बस ऐसे बहुत सारे काम, धार्मिक काम करते रहते हैं हम। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को भी बढ़ाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी सनातन धर्म को पूरी जगाने की, हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चले कि इस तरह के ये आगे चल के ये काम करने। देखिए, श्री श्याम का कार्यक्रम आनंददायक ही हो सकता है और यहाँ पर जिस तरह का भव्य आयोजन किया गया है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात हम खाटू पहुँच गए हों। तो भाई, यहाँ के आयोजकों को तो मैं हाथ जोड़ कर के बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनका अभिनंदन करता हूँ। जितना शानदार इन्होंने कार्यक्रम किया है, मैं समझता हूँ बल्लभगढ़ के जितने श्याम प्रेमी हैं, श्याम भक्त हैं, सबको इन्होंने खाटू जाने के बजाय यहीं खाटू जी के दर्शन करा दिए। बहुत आनंद मिला, बहुत आनंद होते रहने चाहिए और खाटू की कृपा से ऐसे लगातार कार्यक्रम बल्लभगढ़ में होते भी रहते हैं। 22 तारीख को भी बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में भी ऐसा ही कार्यक्रम है। तो मैं तो कहूँगा जब जितने भी हमारे खाटू प्रेमी हैं, सभी इस प्रकार के जागरणों में आएँ और भगवान खाटू के दर्शन का आनंद लें और उसके संकीर्तन का आनंद लें।